दोस्तों स्पोर्ट्स में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जहां प्लेयर को ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया, और ये मोमेंट प्लेयर के लिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाते हैं। लेकिन प्लेयर के लिए जो मोमेंट एम्बैरेसिंग होता है वही मोमेंट ऑडियंस के लिए मज़ेदार बन जाता है, जिसे देखकर लोग खूब ठहाके लगाते हैं। इसलिए मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ गेम्स के दौरान हुए मज़ेदार मोमेंट्स दिखाऊंगा जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमें अपना प्यार पहुँचा देना। दोस्तों क्या हो जब आपके सर पर कुछ तेजी से लग जाए और आप कुछ ना कर पाए, क्योंकि आपको अपने गेम पर फोकस करना है। कुछ ऐसा ही हाल इन जनाब के साथ हुआ जब एक सफाई करने वाला ब्रश इनके सर पर जोरों से लगा और ये जनाब कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्यों किसी नौसिखिए प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए, वरना वो आपके ऐसे ऐसे पुर्जों को घायल कर सकता है जिन्हें ठीक कराना शायद नामुमकिन हो जाए। अब दोस्तों जरा ब्लाइंड फोल्डेड इस प्लेयर को देखिए, लगता है ये बस शौक पूरा करने के लिए जंप कर रहा है, वरना अगर इन्होंने प्रैक्टिस की होती तो इस तरह भरे ग्राउंड में इनकी इतनी बेइज्जती तो ना होती। दोस्तों कैमरामैन को लाइव मैचेस शूट करने के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर इस तरह उन्हें मारने लगे तो माफ करिएगा लेकिन लाइव मैचेस की शूटिंग तो बंद ही समझिए। बेचारा कैमरामैन, उसे क्या पता था कि इस प्लेयर का टारगेट वो बन जाएगा। दोस्तों आप इस रनिंग कर रहे प्लेयर की बेइज्जती का अंदाजा लगा ही सकते हैं, जिसने जीत से पहले जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, उतने में ही दूसरा प्लेयर बाजी मार ले गया। इसलिए कहते हैं स्पोर्ट्स में फोकस करना बहुत जरूरी है, वरना जीती जाती बाजी भी आपके हाथ से निकल सकती है। दोस्तों इस प्लेयर के एम्बैरेसमेंट के साथ साथ इसको हो रहा दर्द भी बहुत खतरनाक है। आपका इस प्लेयर की हालत के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों अब इन मैडम के हारने की वजह देखिए, मतलब कौन कहता है कि इतने लंबे बाल रखो उसमें रैकेट ही फंस जाए। अब हम समझे क्यों इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन अपने बालों को छोटा करा लेती है। दोस्तों ये वाला मोमेंट तो आपके साथ भी हुआ होगा, मतलब कभी कभी प्लेयर्स भी हमें अपने बच्चों जैसी हरकतों से हंसा देते हैं। ऐसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ज्यादा जोश कितना खराब होता है, वरना ये गोलकीपर जोश में आकर बॉल को खुद ही गोल न कर देता। भाई ड्रेसिंग रूम में इस गोलकीपर की पिटाई तो पक्की है। दोस्तों आपको इस गोलकीपर की बेवकूफी के बारे में क्या ख्याल है हमें कॉमेंट। अच्छा क्या हो जब कोई आपके ऊपर घास पर डालने वाला स्प्रे डाल दे, और डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैच का रेफरी हो, जिसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, वरना बाहर तो इतने में गोलियां चल जाती। क्यों सही कहा ना मैंने। दोस्तों वक्त है अलविदा लेने का, हमें पूरा यकीन है हमारी तरह आपको भी इस वीडियो को देखने में बड़ा मजा आया होगा, और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।